नमस्कार, मेरा नाम है माधव पाटिल और आप देख रहे हैं मेरा एक न्यू वीडियो विथ न्यू चैनल। यहाँ पे हमारे एजुकेशनल के वीडियो चलते ही रहने वाले हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन को हो सके तो दबा दो यार। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पल्स के बारे में। पल्स, हाँ, ये एक ऐसी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिसे आप बचपन से सुनते या महसूस करते आ रहे हो। व्हाट इज पल्स? पल्स होता क्या है? हमारे बॉडी में हार्ट नामक एक अवयव होता है, वो हमारे बॉडी को रक्त का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, यानी कि पंपिंग एक्शन जो होता है वो हार्ट करता है, उसे हार्ट बीट होता है। जब हार्ट बीट होता है तो हमारे शरीरों में बहुत सी वेंस होती है, आर्टरीज होते हैं, वहाँ पे स्पंदनों का उत्पन्न होता है, उस स्पंदनों को हम महसूस कर सकते, इसी को पल्स कहा जाता है। पल्स बॉडी में 10 जगह पाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ये कहाँ कहाँ लोकेशंस है और कहाँ कहाँ महसूस किया जा सकता है। जैसे कि फर्स्ट आर्टरी, मतलब अपनी कोहनी के पास ये वाली जो जगह है, आप देख सकते हो, ये वाली आप खुद भी महसूस कर सकते हो, अपनी 2 या 3 उंगलियों से यहाँ पे जांच सकते हो, स्पंदन हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। ये जो वाइब्रेशन है ये और हार्ट बीट है वो एक ही होता है। सेकंड होता है टेम्पोरल साइट, यानी कि यहाँ जो है यहाँ पे आप महसूस कर सकते हो। थर्ड जो है वो कैरोटिड आर्टरी, यहाँ पे महसूस कर सकते हो नेक के पास, ये वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वाइब्रेशन, अपाइकल पल्स, यानी कि एक प्रकार से हार्ट बीट ही हम काउंट कर रहे हैं। पांचवी है ब्रैकियल आर्टरी, ये हमें यहाँ पे महसूस होती है, मैं वहाँ पे एक चित्र दे रहा हूँ, उससे आप समझ में आ गए। सिक्स्थ है फीमोरल आर्टरी, ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वाइब्रेशन इसका भी। सेवन्थ है पॉपलीटियल आर्टरी, इसका भी चित्र मैं दे रहा हूँ। एट्थ है टीबियल आर्टरी, हमारे पैरों पे, यानी कि इसके नाम से डॉर्सल एरिया पे पाया जाता है, यहाँ पे भी स्पंदन पाया जाता है। अल्नार आर्टरी, ये भी रेडियल आर्टरी की तरह ही होती है, सिर्फ फर्क इतना ही है कि ये रेडियस पे रेडियल आर्टरी होती है और अल्नार पे अल्नार आर्टरी होती है। हालांकि ये इतना तगड़ा सिग्नल नहीं होता है, मतलब इतना तगड़ा स्पंदन नहीं होता है। बस अगर आप इस वीडियो में जो भी कुछ भी डाउट है वो कमेंट करके बताइए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। तो यार चलो सब्सक्राइब करके जाओ। धन्यवाद।